हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सुष्मिता पाठक। कैसे हैं आप सब? होप्स आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो आज है तीज, आप सभी को हैप्पी तीज। जो जो व्रत रखा उनको भी, जो नहीं रखे उनको भी। फिलहाल आज मेरा जो है शादी का, आई थिंक मेरा फोर्थ तीज है ये, और इस बार मेरे साथ में छोटा बच्चा भी है, तो इस बार बहुत सारी चीज़ों को साथ में लेते हुए चलना है मुझे। और पहले तो अकेले थे तो बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाती थी, बट इस बार क्या है कि बच्चा भी है तो बहुत सारी चीज़ें देख के चलना है। सो फिलहाल अभी सुबह के हो रहे हैं 3 बज चुके थे, 3 बजे 3:30 हो रहे हैं, और मैं इसके पहले अपना जो भी खाना पीना था कर लिया था मैंने। और आज वैसे तो मैंने हमेशा हल्का फुल्का ही खाया है, लेकिन इस बार मैंने ज़्यादा खाया, तो आज मैंने जो है मूंगफली में खाना नहीं खाया है, हल्के फुल्की चीज़ें मैंने थोड़ी सी हैवी चीज़ें खाई। मैंने जो चाय पनीर का पराठा जो है खाया है, और उसके साथ साथ दही खाया है, मिठाई खाया है, सब इकट्ठा खा लिया ताकि जो है अच्छे से फीडिंग करवा सकूँ। बिकॉज जो है अभी मेरा बेबी बहुत छोटा, अभी 2nd मंथ उसका चल रहा है, और अभी वो ऊपर का कुछ भी नहीं पीता है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अच्छे से इसका पूरा दिन कट जाए। तो इसीलिए मैंने सुबह से पराठा खाया है। तो वैसे खाने का मन तो नहीं होता है, लेकिन हाँ वही होता है कि जब जरूरत पड़ती है सब कुछ हो जाता है। तो फिलहाल अभी हमने अपना खा पी लिया है, और मैं अभी जा रही हूँ नहाने के लिए। मैं आपको मेहंदी दिखाती हूँ अपनी। कल मैंने मेहंदी लगाया था, जो कि बहुत ही थोड़ा सा क्लिप हुआ था शूट, और मेहंदी बहुत अच्छी लगी है। यहाँ पे लड़का लड़की बने हुए बहुत सुंदर लगा, जिसने लगाया वो भी मेरी तरीके से सिस्टर इन लॉ है, बहुत प्यारे जो है उन्होंने मेहंदी लगाया है। और इस हाथ में जो है मैंने जो कॉन्सेप्ट रखा है वो तीज का रखा है, जिसमें शिवलिंग बना हुआ है। अभी बाकी मेहंदी बची हुई है, जो कि जो है वो सुबह लगाएंगे, बिकॉज कुछ इमरजेंसी की वजह से पूरा नहीं लगा पाई थी। सो अभी आगे का जो है पूरा होगा सुबह। मैं आपको दिखा देती हूँ, अपने छोटे बच्चों को दिखाती हूँ कि वो क्या कर रहा है। पूरे रात भर जो है वो सोता नहीं था, और आज आराम से सोया, जब मेरे खाने पीने का टाइम उठ गया, तो मैं दिखाती हूँ। मैं सुबह फाइनली मैं नहा ली, और मेरे बुल्लू शुल्लू जो कि सो गए हैं खेल कूद करके, तो इनका मैं शूट कल करूँगी, इनको दिखाऊँगी मैं कल के ब्लॉग में। बट फिलहाल अभी मैं भी चल रही हूँ सोने के लिए, क्योंकि सुबह का 4:30 हो गए हैं, बस सोते हैं, फिर मिलते हैं आपको सुबह नहाने के बाद। सो गाइस फाइनली सुबह हो गई है, और मैं हो गई हूँ रेडी। वैसे सुबह नहीं हो रही है, दिन हो गए हैं, और मैं नहावा के एकदम रेडी हो गई हूँ, और मैं चल रही हूँ अभी गेट रेडी विथ मी शूट करने चली हूँ। छोटा सा क्लिप होगा जो कि इंस्टाग्राम के लिए होगा। सो फटाफट से चलते हैं, रेडी होते हैं, देन शाम को तैयार होंगे। अब शाम के लिए क्या प्लान है? शाम का प्लान ये है कि मुझे साड़ी पहननी थी, जो कि ग्रीन कलर की थी, बट प्रॉब्लम है इसकी सारी चीज़ें मेरी बहुत गड़बड़ होगी। पहले ज्वेलरी नहीं मैच की, फिर चूड़ियाँ नहीं मैच की, मतलब इतना हौच पौच हो गया, फिर ब्लाउज का इशू हो गया, मतलब बहुत कुछ हो गया। सो फाइनली मैंने उसको जो है हटा ही दिया, मैंने कहा छोड़ो इतना टेंशन मेरे को नहीं लेना है। फिर मैंने एक बहुत पहले एक बार साड़ी पहनी थी रेड कलर की, बस एक बार मैंने पहना सिर्फ फोटोशूट के लिए, तो मैंने फाइनली उसको निकाला, और मैं सोची वही पहनूं, क्योंकि मेरे पास इस टाइम ब्लाउज की भी कमी है, क्योंकि मैं बहुत सारे ब्लाउज लेकर नहीं आई हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ यार थ्री मंथ्स मेरे को यहाँ पे, अगर 3.5 महीने से ज़्यादा हो गया मुझे धानू छोड़े हुए मुंबई अपना, तो वहाँ से मुझे आना था, बहुत लंबे टाइम के लिए आना था, तो मैं इतना फालतू का सामान नहीं रख सकती थी, एक बैग लेके आना था, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं हौच-पौच। दैट्स मैं बहुत सारे ब्लाउज लेके नहीं आई थी, तो यहाँ पे मैं एक दो ब्लाउज के भरोसे आई थी। सो फाइनली एक ब्लाउज है जिसपे वो चल जाएगा, इसीलिए मैंने डिसाइड किया अभी इस बार ऐसे ही करते हैं, बिकॉज बच्चे का भी चीज़ें हैं बहुत सारी चीज़ें, ऊपर से मेरे को दिमाग बार बार चल रहा है कि मेरे को फीडिंग कराना है उसको, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ये सब चीज़ों के साथ में ना अभी इतनी चीज़ें नहीं मैनेज होती, बट फिर भी जितना मैं कर सकती थी मैंने करने की कोशिश की। एंड फाइनली मैंने ये चूड़ियाँ पहन ली हैं, आई थिंक ऐसी चूड़ियाँ ना मेरे फ्रेंड ने शादी के टाइम पे लगाई थी, बहुत भर के लगाई थी, बट अभी मैंने छोटी कर दी से। तो बस चलते हैं गेट रेडी विद मी शूट करते हैं, उसके बाद हम करेंगे तैयारी थोड़ा सा पूजा की, और जो भी होगा जैसा होगा वो आप सबसे शेयर करूंगी। और आप लोग का तीज कैसा रहा जरूर बताइएगा। और हाँ, आज जो है 18 जो है सितंबर है, और आज के दिन 1.25 महीना हो गया मेरे बच्चे के हुए, और हमारे यहाँ ऐसा होता है कि 1.25 महीने तक आपको किचन में नहीं जाना होता, पूजा नहीं करना होता, ये सारी चीज़ें होती हैं। सो आज कल कंप्लीट हो चुका है, तो आज मैं आराम से पूजा वगैरह भी करूँगी। तो आज जो है जस्ट सिंपली चूल्हे में जो है सिंदूर वगैरह लगा के पूजा कर लेते हैं, एंड नॉर्मली जो है अब किचन में स्टार्ट कर सकती हूँ यूज़ करना। सो बस फाइनली सारी चीज़ें मतलब हो चुकी हैं अच्छे से हैंडल, और अभी अब मेरे को अपना बहुत अच्छे से केयर करना है, खुद से सारी चीज़ें करनी है। सो बस चलते हैं, रेडी होते हैं, और मेरी मेहंदी बहुत अच्छी लग रही है, आधी ही लगी है, क्योंकि अभी वो आ नहीं पाए हैं जिन लोगों लगाया था, उनकी थोड़ी तबीयत ऐसी देखती हूँ, अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं लगाऊंगी, नहीं तो फिर नहीं लगाऊंगी, भी देखते क्या करते हैं। सो गाइस फाइनली मैं थोड़ा सा शूट कर रही थी, और उस लड़के से रहा नहीं गया, रोज इस टाइम पे सोता रहता है लड़का, और इस टाइम पे जग करके मेरे साथ पता नहीं क्या चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए, हाँ स्माइल पास कर रहे हो, सुनो मुन्नू क्या चाहिए लड्डू को, क्यों तुम जगे हो बताओ मुझे, मैंने कहा है तुमको जगने को, नहीं कहा है ना, आज ही तो कहा है सोने को, आज नहीं सो रहे, रोज सो के पता नहीं क्या करते हो, नहीं मुझे भी जवाब दो, उधर मत देखो मेरी तरफ देखो, नहीं 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 उधर देखने से काम नहीं चलेगा बेटा, नहीं 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 मम्मा तब देखो इधर इधर नहीं, अरे 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 नहीं 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 रोना नहीं, रोना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रोना है, नो हाँ
फोन तो तुम्हें बहुत दिख रहा है, क्यों उठे हो? अच्छा खासा पिला खिला दिया, सो जाना चाहिए, थोड़ी देर मम्मा को रेस्ट दे दो, उसके बाद फिर उठना आराम से, कल से अच्छे से खूब जगना तुम। हाँ तो जगाए नहीं, जगते हो तुम, ऐसे क्या सुन रहे हो भोंदू राम? ए डू, तो मेरी इनकी ये वार्तालाप चलती रहेगी और ये टेंटे टेंटे शुरू हो गए हैं, तो बस मैं यहाँ पे वार्तालाप खत्म करती हूँ, मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो जी आज है तीज और मैंने स्टार्ट कर दिया अपना जो है सजना सवरना, क्योंकि मुझे थोड़ी सी रील वगैरह भी बनानी थी और इसके साथ ही साथ थोड़ी सी पूजा भी करनी थी। पूजा इस चीज़ की है कि आज जो है मुझे सवा महीना हो गया है, मतलब बेबी को हुए, और सवा महीने तक कोई किचन नहीं छूना होता है, तो इसीलिए जो है अभी मैंने अच्छे से आज तरह रेडी होकर के, देन मैंने चूल्हे की पूजा वगैरह की है, और मतलब होता है ऐसा सबके घर में होता होगा या किसी घर में नहीं भी होता होगा, फिर मेरे घर में होता तो मैंने किया उस चीज़ को फॉलो, और बस ये सब करके उसके बाद मैं तुरंत लग जाऊंगी अपने शारीरिक पूजा की विधि में। एक्चुअली इस बार मैं लिटरली बोलूँ तो बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हुई हैं, मतलब इस तरीके का अभी तक तो मेरा तीज नहीं गया, बट पता नहीं क्यों इस बार ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया, टाइम से चीज़ें नहीं हो पाई। ये है कि शायद मेरी पूजा हो चुकी थी टाइम के अंदर, क्योंकि मैंने इतना ध्यान नहीं दिया इस बार, क्योंकि बहुत सारा चीज़ें हौच पौच हो गया था, तो यहाँ पे बहुत लेट हो गया था मुझे जो है हल्दी से शंकर जी बनाए हुए, लेकिन मुझे बनाना था क्योंकि मैं अभी हर बार बनाऊँगी, अब कभी कोई बहुत बड़ी दिक्कत हो तो एक अलग बात है, बट फिलहाल मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मुझे बनाना है। तो बस मैंने यहाँ पर जैसे लास्ट टाइम बनाया था, लास्ट टाइम बहुत सुंदर बना था क्योंकि मैंने दिन में ही बना के रख लिया था, सुखा दिया था, तो बहुत अच्छे से हो गई थी चीज़ें, बट यहाँ मैंने एकदम ताज़ा ताज़ा बनाया, एकदम छोटा सा बनाया था शिवलिंग, और इन्हीं की पूजा करूँगी, सुबह इनको विसर्जित कर दूँगी। विसर्जित करने के लिए ये रहता है कि आपको किसी अभी पेड़ में या कहीं ऐसी जगह डाल देना जहाँ पे किसी का पैर नहीं जाए, तो मैं गमले में ही डाल दूँगी। सो यहाँ पर मैं छोटा सा जो है शिवलिंग बना रही हूँ, जो कि बहुत खूबसूरत बने थे, हाँ उतने सुंदर नहीं थे जितना मैंने लास्ट टाइम बनाया था, क्योंकि मैंने थोड़ा बड़ा बनाया था लास्ट टाइम और अच्छे से सुखा दिया, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ फ्लोरी। कहते हैं कि शंकर जी की जो 5 बेटियाँ हैं उनके नाम पर फ्लोरी टांगनी चाहिए इस दिन, और मैंने लास्ट ईयर से स्टार्ट किया था क्योंकि मैंने पंडित प्रदीप मिश्रा जी का जो है सुना था, तो तब से मैंने स्टार्ट कर दिया कि हाँ ऐसा करूंगी मैं। तो बहुत हड़बड़ी में मैंने ये पूजा स्टार्ट किया, यहाँ पे गौरी जी मैंने बनाया था और गणेश जी के लिए मैंने यहाँ पे सुपारी रखी थी, वो रख लिया है क्योंकि बोलते हैं शिव परिवार पूरा रख करके ही पूजा करना चाहिए, और यहाँ पर जो है मैंने फिलहाल पूजा कर ली है क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं था, तो फटाफट से जो मेरे से हो पाया मैंने किया। और लाइक सबके घर में ही ऐसी पूजा होती होगी या किसी के डिफरेंट होती होगी, बट फिर हर मेरे यहाँ कुछ ऐसा होता नहीं था, मेरे यहाँ सिंपली जो है बहुत सिंपल सी पूजा होती है, लाइक भगवान जी की पूजा हो गई और कुछ सीधा वगैरह निकल गया ऐसा होता था, बट हाँ मुझे ये चीज़ बहुत मतलब अच्छा लगता है शंकर जी बना करके पूजा करना। और यहाँ पर मैंने फूल वगैरह चढ़ा दिया, बेलपत्र चढ़ा दिया, आप भी अपने हिसाब से जो भी करते होंगे तो कुछ इस तरीके से रहा, बाकी आप आगे का व्लॉग देखिए। सो गाइस जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उनको पता होगा कि मैं मेरे हस्बैंड के साथ में इस टाइम पे नहीं रह रही हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मेरा बेबी का डिलीवरी था। सो यहाँ पर फाइनली मैंने जो है अपने हस्बैंड से बात की है वीडियो कॉल पे, वैसे भी बच्चे की वजह से बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, तो फटाफट से मैंने वीडियो कॉल पर बात की है, मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया, और ऐसा होता है यार पता नहीं क्यों मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है कि जो ये करवा चौथ ये सब जब छूट जाता है ना बहुत बुरा भी लगता है, और लास्ट ईयर भी ऐसे हुआ था, थे भी तो लेट में आना ऐसा कुछ हो रहा था, बट ठीक है। ओवरऑल कुछ ऐसा फीका सा रहा मेरा इस बार का तीज, कोई बहुत खास ना मैं मेकअप कर पाई, ना मैं बहुत खास साड़ी पहन पाई, कुछ भी नहीं कर पाई, जस्ट बिकॉज ऑफ ना ब्लाउज़ का कुछ तय था, कुछ भी नहीं तय था, बट ठीक है। फिलहाल यहाँ पर मैं जो है सो गई थी, और सुबह उठ करके मैंने जो है प्रसाद बनाया था, सब लोग सो रहे थे, मैंने एकदम सुबह सुबह उठ करके बिना खटर पटर किए मैंने जो है यहाँ पर बनाया है फिलौरी, गुलगुला कई लोग कहते हैं इसको, तो कुछ मैंने मीठा ही बनाया है और थोड़ा सा नमकीन बनाया, जस्ट बिकॉज ऑफ मैं इस टाइम पे फीडिंग कराती हूँ अपने बेबी को, तो मुझे भूख बहुत लगती है सुबह सुबह, तो मैंने पूड़ी वूड़ी वगैरह बनाने की जगह पर मैंने इसकी नमकीन बरिया भी बना ली थी। सो बस भगवान जी की पूजा करके मैंने अपना व्रत का खोल दिया था, और बस कुछ इस तरीके से मेरी तीज रही, होप सो नेक्स्ट ईयर मेरी तीज बहुत अच्छी होगी, बट ठीक है बेबी के साथ में जितना मेरे से मैनेज हो पाया मैंने करने की कोशिश की, होप सो कि इस बार का करवा चौथ ही बहुत अच्छा हो जाए, बट अभी कोई तैयारी नहीं है मेरी, और ये व्लॉग थोड़ा लेट जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप लोगों
भी पता है कि बेबी मेरा बहुत छोटा है, मुझे 2 से 3 महीने अभी उसको देने हैं अपने पूरे, दैट्स वाई मेरा व्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है, बट अभी मैं लगातार व्लॉग्स लाऊंगी थोड़ा धीरे धीरे। सो अगर ये वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।